बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज दैट मैच द कॉम्प्लेक्स स्पीसीज गिवन इन कॉलम वन विथ द पॉसिबल आइसोमेरिज्म गिवन इन कॉलम टू. और हमें यहाँ कुछ कॉम्प्लेक्सेस गिवन है ए बी सी डी, और हमें यहाँ पे कॉलम टू में उसके आइसोमेरिजम्स दिए गए हैं, जो कि वन है ऑप्टिकल, सेकेंड है ज्योमेट्रिकल, थर्ड इज कोऑर्डिनेशन एंड फोर्थ इज लिंकेज. और हमें लास्टली ऑप्शन जहाँ पे हमें मैच करके करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है. तो इस क्वेश्चन का हमारा की कॉन्सेप्ट होगा आइसोमेरिज्म एंड उसके टाइप्स जो यहाँ पे दिए गए हैं. तो द की कॉन्सेप्ट इज आइसोमेरिज्म. फर्स्ट वी विल राइट द की कॉन्सेप्ट, देन वी विल सी कि इसके टाइप्स जो होते हैं उनमें से किसका कॉम्प्लेक्स कैसा बनता है. सो द की कॉन्सेप्ट इज आइसोमेरिज्म. एंड यहाँ पे हम देख रहे हैं फोर टाइप्स के आइसोमेरिज्म, जो कि है ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल, लिंकेज एंड कोऑर्डिनेशन. सो इट इज लिंकेज एंड कोऑर्डिनेशन. नाउ वी विल सी विथ एग्जांपल ये क्या क्या होते हैं. सो इन द नेक्स्ट स्लाइड वी विल सी. फर्स्ट जो हमारा है कॉलम टू में उसके अकॉर्डिंग वी विल सी. फर्स्ट हमें गिवन है ज्योमेट्रिकल, तो हम पहले वो देख लेते हैं. तो ज्योमेट्रिकल का एग्जाम्पल क्या होगा. ज्योमेट्रिकल जो आइसोमेरिज्म होता है इट बेसिकली सो सिस एंड ट्रांस, जो भी कॉम्प्लेक्स सिस और ट्रांस फॉर्म शो करता है उसे हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बोलते हैं. हियर सिस इज ऐसा स्ट्रक्चर जिसका दोनों ही साइड जो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है वो सेम होगा, और जहाँ पे भी फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा, डिफरेंट ऑपोजिट साइड को फेस कर रहा होगा, उसे हम ट्रांस बोलते हैं. तो बेसिकली जो हमारा कॉम्प्लेक्स यहाँ पे सिस और ट्रांस शो कर रहा है ये कॉम्प्लेक्स है सी ओ एन एच थ्री होल फोर सी एल टू टू द पावर पॉजिटिव. सो दिस इज द कॉम्प्लेक्स दैट इज शोइंग सिस एंड ट्रांस फॉर्म हियर, एंड फाइनली इट विल बी आवर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. नाउ वी विल सी द सेकेंड वन. सेकेंड जो हमारा है वो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, जो भी सिस फॉर्म होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा यहाँ पे. सो सिस फॉर्म इज ऑप्टिकल एक्टिव, एंड ट्रांसफॉर्म जो होता है, वन सेकेंड, जो ट्रांसफॉर्म होता है हमारा वो यहाँ पे इनएक्टिव होता है. सो द ट्रांसफॉर्म इज ऑप्टिकल इनएक्टिव. और यहाँ हमें कॉलम वन में एक एग्जांपल गिवन है जो कि है हमारा सिस सी ओ ई एन टू सी एल टू टू दी पावर पॉजिटिव. सो दिस बेसिकली सिस फॉर्म इज ऑप्टिकल एक्टिव, और ये जो होगा जो भी ऑप्टिकल एक्टिव होता है सिस फॉर्म वो हम उसे हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोलते हैं. नाउ वी विल सी द थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन. तो यहाँ जो हमारा थर्ड है इट इज लिंकेज. वन सेकंड, इट इज थर्ड. तो थर्ड जो हमारा है हम यहाँ पे देख रहे हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म. तो लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या होते हैं, बेसिकली यहाँ पे जो एक ऐसा ग्रुप होगा मेटल एटम की बगल में जो कि दो टाइप के लिंकेज फॉर्म करेंगे मेटल एटम से. तो यहाँ पे जो हमारा एग्जांपल गिवन है वो एग्जांपल है सी ओ एन एच थ्री होल फाइव एन ओ टू एंड सी एल टू. नाउ ये जो हमारा एन ओ टू है यहाँ पे ये दो टाइप से लिंकेज फॉर्म करेगा मेटल एटम के साथ. मेटल एटम हमारा ये कॉम्प्लेक्स है, तो दिस इज आवर मेटल एटम. उसके साथ ये दो टाइप का लिंकेज फॉर्म करेगा, एक तो ये जो गिवन गिवन है हमारा पहले से ही, तो इट विल बिकम येलो. नाउ एक और कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा ये, जहाँ पे ये लिंकेज कैसे करेगा, ओ एन ओ के साथ लिंकेज करेगा ये. तो इट इज एन एच थ्री होल फाइव, यहाँ पे ये कर रहा है ओ एन ओ, वहाँ पे कर रहा था एन ओ टू के फॉर्म में, एंड दिस इज फाइनली सी एल टू. और यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है वो रेड इन कलर होता है, ऊपर वाले में येलो इन कलर होता है. तो दिस बेसिकली शोइंग आवर लिंकेज आइसोमेरिज्म. हम फोर्थ भी देख लेते हैं.
फोर्थ जो हमारा लास्ट ऑप्शन बचा है वो है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है? ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसका दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है। तो हमारा जो यहाँ पे एग्जांपल दिया है कॉलम वन में वो है CO NH3 होल 6 ब्रैकेट एंड Cr Cn होल 6। नाउ वी कैन क्लियरली सी कि ये एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, एक ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। यहाँ पे दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर बन रहे हैं, इसीलिए हम इसे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। नाउ वी विल मैच द ऑप्शंस। तो यहाँ जो हमारा ऑप्शन मैच हो रहा है वो हो रहा है दिस ए इज वी हैव सीन, ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा था वो टू के साथ जो कि था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। डी जो हमारा था वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा था। यहाँ पे हमारा जो सी ऑप्शन था एग्जाम्पल जो था वो हमारा फोर्थ के साथ था, और साथ ही में जो हमारा डी था वो कोऑर्डिनेशन शो कर रहा था। तो वी कैन क्लियरली सी जो हमारा ए ऑप्शन है वो करेक्ट मैच है इस क्वेश्चन के लिए। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हेयर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।